गाइस वेलकम टू फिश थिंग्स एंड पवन का बैक विद अनदर वीडियो। तो गाइस आज का टॉपिक क्या है कि हाउ टू मेक ड्रिफ्टवुड ऑन योर ओन। सो गाइस ड्रिफ्टवुड क्या है? ड्रिफ्टवुड का मतलब कि जो लकड़ी बहुत दिनों से पानी में रहा होता है, मतलब कि आप लोगों के एग्जांपल के लेक्स पॉन्ड्स और नदी में स्ट्रोम आने की वजह से, सुनामी आने की वजह से और ज्यादातर जो बारिश होने की वजह से जो पेड़ के पार्ट्स होते हैं, मतलब पेड़ के पार्ट्स और एक पूरा पेड़ ही जो ले लीजिए कि पूरा पेड़ ही वो पानी में बहुत मंथ्स तक पानी में रह जाता है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि वो अगर वो ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट डेंस है तो बहुत दिन लेता है सिंक होने के लिए। अगर वो ड्रिफ्ट ज्यादा डेंस नहीं है तो गाइज बहुत डेंस नहीं है तो वो क्या हो जाता है कि वो जल्दी से सिंक हो जाता है। तो गाइज यही है कि बस ड्रिफ्टवुड क्या है कि वो एक लकड़ी है जो पानी में ज्यादा दिन से रहने की वजह से जो पानी पानी क्या पानी को एब्जॉर्ब करके वो अंदर सिंक हो जाता है, उसी को हम ड्रिफ्टवुड कहते हैं। तो गाइज आप लोगों को जीरो कॉस्ट के ऊपर मैं आप लोगों को कैसे ड्रिफ्टवुड बनाने आप लोगों को सिखा दूंगा। तो गाइज आपके लिए आप लोगों को चाहिए ऐसा ड्रिफ्टवुड, नहीं तो ऐसा भी आपको को बड़ा वाला है तो निकलूंगा, थोड़ा कैमरा को डिस्टर्ब है तो देख सकते हैं ये भी एक ड्रिफ्टवुड है। तो गाइज इसको आप लोग ऐसे सैंड पेपर होता है तो सैंड पेपर से आप लोग इसको पॉलिश करके और जो आप लोगों को ऐसे छोटे वाले नहीं चाहिए तो इनको निकाल दीजिए तो क्या हो जाए कि ड्रिफ्टवुड बन जाते हैं। और आप लोगों को मेरा साथ से आप देख सकते हैं कि ये ड्रिफ्टवुड बहुत डेंस है तो ये बहुत दिन होता होगा पानी में सिंक होने के लिए। तो गाइस इसको रखते हैं साइड, आप लोगों को एक और दिखाता हूँ। तो गाइस ये देखिए एक और है, ये बादाम पेड़ का है, देख सकते हैं इसका छिलका निकल रहा है, तो ऑलरेडी इसका छिलका निकल हुआ है, देख सकते हैं कैसा है। तो ये लकड़ी है जो ज्यादा डेंस तक नहीं है, देख सकते हैं इसका आवाज आप लोग सुन सकते हैं, तो ज्यादा डेंस नहीं है। तो आप लोग इसी जो पेपर होता है ना, जो सैंड पेपर, ये मेरा हिसाब से आप लोगों को 10 रुपए नहीं तो 20 रुपए का एक आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग इससे पॉलिश करके इसको पानी में डाल सकते हैं। तो गाइस अभी आप लोगों को रूट्स के ऊपर बनाना है तो आप लोग ऐसे देख सकते हैं कि छोटा सा नीम का पेड़ का है, ये आप लोग ऐसे मत लीजिए, ये पपाया पेड़ का है तो देख सकते हैं कि अंदर फोकला है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कुछ वेस्ट है तो ये डीकम्पोज हो जाएगा। तो गाइस आप लोग ऐसा वाला देख सकते हैं, मैंने एक ऑलरेडी बनाया हूँ तो मेरा एक बना गया है तो वो अभी मेरा एक्वेरियम में है, देख सकते हैं कि ये बाजू वाला जो एक्वेरियम है इसमें है, वो आप लोगों को बाद में दिखा दूंगा। तो गाइस अभी आप लोगों को दिखा दूंगा कि मैंने एक मैंगो वाला बनाया हूँ तो अभी ये गर्म पानी में है तो मैं पर नीचे टच नहीं करता तो गर्म पानी में है। तो गाइस मैंने आप लोगों को क्या करना होगा कि ड्रिफ्टवुड बनाने के जब आपके ड्रिफ्टवुड पानी में सिंक हो जाएगा तो आप लोगों को इसको एक बकेट में नहीं तो एक कंटेनर में गर्म पानी से डालना होगा। गर्म पानी से डालने की वजह से क्या हो जाता है कि इसके ऊपर जो फंगस और आप देख सकते हैं बहुत दिन के बाद वुड पानी में रहने के बाद जो व्हाइट व्हाइट हो जाता है तो वो सभी निकल जाता है तो ये सेफ बन जाता है आपके एक्वेरियम में यूज करने के लिए। तो गाइस आप डाल सकते हैं, डाल देते हैं। तो गाइस आप कुछ लोगों के लिए सॉल्यूशन है कि अगर आप अपार्टमेंट में रहते हो, आपके आसपास कोई बड़े पेड़ नहीं है तो आजकल रहते होंगे तो अगर कोई मेट्रोपोलिटन सिटीज होते हैं तो वहां पर कम मिलते हैं तो पेड़, आप लोग बहुत डेंस पेड़ नहीं ढूंढ सकते। तो गाइस आपको लाभ के लिए मेरे पास एक और है कि आपके घर में तो तुलसी पेड़ जरूर होगा तो आप लोग ये तुलसी पेड़ देख सकते हैं कि ये दोनों आए, दो है तो आप लोग इनको भी यूज कर सकते हैं। ये जो छोटे छोटे होता ना उन सबको निकाल कर आप लोगों को ऐसे मोटे वाले स्टेम को रखकर आप लोगों को पानी में रखना है, इसको पॉलिश नहीं करना है क्योंकि ये नेचुरल बहुत बढ़िया दिखता है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो है
ये बढ़िया बढ़िया दिखता है, आप रूट भी देख सकते हो। तो इसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये डिकम्पोज नहीं होगा गाइस, ये जरूर डिकम्पोज नहीं होगा, कि ये तुलसी पेड़ का जो ब्रांच है, ये ट्रंक है, तो ये डिकम्पोज जरूर नहीं होगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैं आप लोगों को मेरा एक्वेरियम में जो डाला हूँ तो उसका वीडियो आप लोगों को तो वो दिखा दूंगा। तो गाइस चलिए थोड़ा कैमरा उठाते, तो गाइस देख सकते हैं कि देख सकते हैं। तो गाइस यही है ड्रिप ट्यूब मैंने बनाया हूँ, देख सकते हैं मछली कैसे उसके आसपास खुले। अगर गाइस आप लोगों को एक और बार कहना है कि अगर ये प्लांट जो मैंने लगाया हूँ, ये मेरिसिला क्वाड्रिफोलिया है जो अभी ये ग्रो हो गई, तो एक्सेप्शन हो गई, तो मैं आप लोगों को जीरो कॉस्ट प्लांटेड एक्वेरियम कैसे बनाते हैं उसको दिखा दूंगा। तो गाइस सॉरी गाइस कि हमारा करंट, हमारा जो लाइन है ना, घर का लाइन कट हो गया, तो कुछ काम चल रहा है तो बाहर हमारा करंट चला गया। तो गाइस देखिए, यही है मेरा तुलसी पेड़ से बना हुआ है ड्रिफ्टवुड, और आप देख सकते हैं कि ये जो प्लांट देख सकते हैं, ये लैंड प्लांट है और हमने इसको एक्वेटिक प्लांट में कन्वर्ट किया है, क्योंकि ये कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये इसका नाम ही है, इसका नाम है कि मेरिसिला क्वाड्रिफोलिया। हम अच्छी तरह से प्रोनाउंस कर पा रहे नहीं कि मतलब नहीं मतलब नहीं कर रहे कि हमें पता नहीं, तो हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो मेरिसिला क्वाड्रिफोलिया क्वाड्रफिलिया। तो यही है इस प्लांट का नाम। अभी ये पानी में ग्रो होने लगा है, तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो जूम करके दिखाऊंगा, देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को दिखना मुश्किल होगा, तो छोटे प्लांट्स ग्रो हो रहे, छोटे पत्तियाँ इसके अंदर आ रहा है, तो आप लोगों को इसको इसके अगर ये ग्रो हो गई तो आप लोगों को जीरो कास्ट के ऊपर मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर वीडियो बना दूंगा, उसको भी ज़रूर देखिए। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और भाई लोग कभी भी किसी के वी किसी भी यूट्यूबर के वीडियो को वो मिडल में मत कट कीजिए, उससे उनके चैनल को असर उसके उनके चैनल के ऊपर असर पड़ता है। तो गाइज यही है आज का टॉपिक, हाउ टू मेक ड्रिफ्टेड डोर ऑन ऑन, तो आप लोगों को सब कुछ पता चल गया। तो गाइज थैंक यू, बाय बाय।